फ्रेंड्स कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हो गया 22 फरवरी 2019 शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट और काम की निकल कर आ रही हैं। सीधे बात करते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार खरीदेगी 72,000 राइफल, इंडियन आर्मी की बढ़ेगी ताकत। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट है ये भारतीय सेना के लिए। और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे अभी तक आउटडेटेड राइफल और कार्बाइन से काम चला रही इंडियन आर्मी की ताकत जल्द ही बढ़ने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक अमेरिकी कंपनी से लगभग 700 करोड़ रुपए की एक डील की है। इसके तहत इंडियन आर्मी के लिए 72,400 सिग साउर असल्ट राइफल खरीदी जाएंगी और फिर देखते हैं ये पाकिस्तान किधर जाके छुपता है। अच्छा दूसरी बड़ी खबर है, भारत जल्द बनेगी $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण कोरिया के निवेशकों को भारत में निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हुए गुरुवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है और अगले 5 सालों में ये इतनी बड़ी हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर है, नौकरी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार उठाएगी ये कदम, बढ़ेगा MEIS का दायरा। जी हां दोस्तों, रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ रही सरकार अब एक्सपोर्ट बढ़ाकर नई नौकरी देने की कोशिश में है। CNBC आवाज को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एक्सपोर्टर्स को टैक्स छूट देने वाली स्कीम मर्केटाइल एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश में जुटी और एक्सपोर्टर्स की दी जाने वाली रियायतें बढ़ाई जा सकी और ऐसे में जरूर नौकरियां भी देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, बैन नहीं होगी दर्द निवारक टेबलेट सेरिडॉन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, सेरिडॉन गोली को लेकर इतने दिनों ये जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर एक फैसला सुना दिया फाइनली और ऐसे में दर्द निवारक टेबलेट यानी गोली जो आती है ना लेने की सेरिडॉन करके, वो अब बैन नहीं होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित दवाओं की सूची से बाहर निकाल दिया। ये जानकारी दवा बनाने वाली कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गुरुवार को शेयर बाजार में दिए, तो आप भी इस गोली का इस्तेमाल ले सकेंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर, आप मोबाइल से चेक करें आपकी खरीदी हुई दवा असली है या नकली। जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर अपडेट है। दरअसल असली और नकली दवाओं को पहचान करना आसान होने जा रहा है। फार्मास्यूटिकल विभाग ने सभी दवाओं पर अनिवार्य QR कोड लगाने के निर्देश जारी किए हैं और सरकारी अस्पतालों जन औषधि स्टोर पर सप्लाई की जाने वाली दवाइयों पर 1 अप्रैल 2019 से ही QR कोड अनिवार्य होगा, जबकि बाजार में बिकने वाली दवाइयों के लिए QR कोड 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। ऐसे में दोस्तों QR कोड नियम लागू होने के बाद सिंपली आप अपने मोबाइल से कैमरे से QR को स्कैन करोगे और आपको उस दवाई की कंप्लीट जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो तुरंत पता चल जाएगा आपको कि ये दवाई असली है या नकली। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों, CS फाउंडेशन का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। जयपुर चैप्टर से 62.72 विद्यार्थी सफल रहे हैं और आप भी इसका परिणाम चेक कर सकते हैं ICSE.edu ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ओके अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, सरकार का 6 करोड़ PF सब्सक्राइबर्स को तोहफा, EPF पर ब्याज दर 0.10% बढ़ाई। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है, फिर चाहे सरकारी कर्मचारी वाला आदमी हो या फिर दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी है अगर आपने भी PF अकाउंट खुलवा रखा है तो। दरअसल यहां पर पीएम मोदी गवर्नमेंट ने PF पर मिलने वाले ब्याज में 0.10% तक की बढ़ोतरी कर दी है और ऐसे में पहले जो 8.55% ब्याज दर थी वो अब 8.65% कर दी गई है और ये मिलेगा आपको PF में जमा पैसे पर है, बड़ा हुआ ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। ओके अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, अब सेना के काफिले तक नहीं पहुंच पाएंगे आतंकी, मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। जी दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और सरकार ने अब जवानों के काफिले को जम्मू कश्मीर में हवाई यात्रा की मंजूरी दे दी है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए अभी अर्धसैनिक बलों को दिल्ली श्रीनगर, श्रीनगर दिल्ली, जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर, इन सभी जगहों पर हवाई यात्रा को अनुमति दे दी है, किनके लिए, हमारे जवानों सैनिकों के लिए। ओके अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों, इस साल ये कंपनी लॉन्च करेगी बिजली से चलने वाला तिपैया वाहन। जी हां दोस्तों, इटली की दुपहिया और तिपैया कंपनी पियाजियो व्हीकल्स ने इस साल के मध्य तक भारतीय बाजार में पूर्ण रूप से बिजली चलित यानी कि इलेक्ट्रिक तिपैया वाहन उतारने की योजना बनाई है और ये वाहन वाकई में उनके लिए बिजनेस व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी साबित होगा। अच्छा अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों, आज के सोना चांदी के भाव, तो 360 रुपए की बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोने के दाम, चांदी की कीमत 140 रुपए लूट गई। जी हां दोस्तों, सराफा बाजार में आज सोना का भाव 360 रुपए प्रति 10 ग्राम की छलांग लगाकर 34,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 140 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 41,660 रुपए प्रति किलो पर आ गई। और अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों, आज के पेट्रोल डीजल के भाव, तो आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद बेसिकली भारत में आज पेट्रोल की रेट देख सकते हैं 70 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल की रेट देख सकते हैं दोस्तों 66 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल दोनों के ही भाव आप स्क्रीन पर लिस्ट में देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान में 180 रुपए किलो हुआ टमाटर, दिखने लगा भारत की कार्यवाही का असर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान निर्यात किए जाने वाले सामान पर भारत ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दिया और इसका असर सीधा पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर नजर आ रही है। और पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है यहां पर आप देख सकते हैं, टमाटर 180 रुपए किलो, आलू जो कि 10 से 12 रुपए किलो थे वो 30 से 35 तीन गुना बढ़ गए हैं, खीरे तोरी 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वाकई में डगमगा सी गई है। सरकार का यह बहुत ही अच्छा फैसला है। इस पुलवामा और पाकिस्तान को लेकर कल
रात को मैं आपको ऑलरेडी डिटेल खबरों में ये चीजें बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप इस वीडियो को आराम से देख लेना। ऐसा ही एक अपडेट और देख सकते हैं, कंगाल पाकिस्तान के आए बुरे दिन, गधे बेचकर कमा रहा है पैसे। अच्छा एक और अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान को मिली पुलवामा हमले की एक और सजा, तीन नदियों का पानी रोकेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा की घटना के बाद भारत की बड़ी कार्यवाही, पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का किया फैसला। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत की तीन ऐसी नदियाँ हैं ना जो भारत से होकर के पाकिस्तान की तरफ जाती है, राइट। अब यहाँ पर सरकार ने फैसला ये लिया है दोस्तों कि वो पाकिस्तान में जो नदियाँ जा रही हैं उन पर पहले से ही भारत में बड़े बड़े बांध बना दिए जाए, यानी कि डैम बना दिए जाए, ताकि पाकिस्तान में कभी पानी पहुँचेगा ही नहीं उन नदियों के थ्रू। तो उन तीनों ही नदियों पर बांध बनाने का काम जारी है, और ये भी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम ही है, ताकि पाकिस्तान में पानी के भी लाले पड़ेंगे तभी उनको याद आएगी। अच्छा इन खबरों को ऑलरेडी मैं कल नाइट वाले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ दोस्तों, तो वहाँ से आप आराम से और ज्यादा जानकारी चेक कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ फटाफट से। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दिसंबर में जियो ने 85 लाख नए यूजर्स जोड़े, जबकि वोडाफोन और एयरटेल के ग्राहक घटे। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या दिसंबर माह की अभी हाल की जो ताजा जानकारी अपडेट निकल कर आ रही है उसके अनुसार बढ़ोतरी जारी है, जबकि अन्य दिग्गज दूरसंचार टेलीकॉम कंपनियां भारत एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सभी के ग्राहकों में गिरावट दर्ज की गई है। तो आखिर पता चलता है कि मुकेश अंबानी जी की रिलायंस जियो कितनी बूम और तेजी से आगे बढ़ रही है। और हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबरें भी अपन जान लेते हैं फटाफट से, वो भी इंपोर्टेंट निकल कर आ रही है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद करना, क्योंकि अभी तो सरकार की नई स्कीम अपडेट, नए नियम, कुछ और खबरें, इंपोर्टेंट न्यूज हम जान लेते हैं फटाफट से। तो बने रहेगा इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ओके। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। तो मौसम समाचार अपडेट को लेकर अगला बड़ा न्यूज अपडेट आप देख पा रहे, हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने मचाया कहर। देखिए 12 तस्वीरें ऐसी जो वाकई में आपको चौंका सकती है दोस्तों, इस मौसम में भी इतनी तेज और भयंकर बारिश हो रही है हिमाचल में। अच्छा इसी के चलते आप देख सकते हैं हिमाचल में सफेद आफत से बड़ी दुश्वारियां, स्कूलों को बंद रखने का फैसला, किन्नौर में हिमखंड गिरा। जी हाँ दोस्तों, स्कूल बंद को लेकर बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे होंगे, राजधानी शिमला में बारिश जारी है और प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरा। खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। अब कहां पर कितने दिन तक छुट्टी रहेगी तो आप देख सकते हैं, कुल्लू जिला प्रशासन ने, बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है ध्यान दीजिएगा, और किसी भी राज्य में छुट्टियां नहीं है। हिमाचल के कुल्लू जिला प्रशासन ने शुक्रवार को लाहौल प्रशासन ने शुक्रवार और शनिवार की छुट्टी घोषित कर दी है। अच्छा इसके अलावा जिला किन्नौर में 27 तक स्कूल बंद रहेंगे, कुल्लू में 23 को रखे ड्राइविंग टेस्ट भी स्थगित कर दिया है, और इस तरह से 27 तारीख तक इन जिलों में स्कूलें बंद रहेगी मौसम के खराबी के चलते, ओके। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, बिजली बिल से मुक्ति पाना है आसान, बस एक छत और एक मुश्त निवेश की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, बिजली बिल, पानी बिल, फोन बिल, गैस बिल वगैरह वगैरह, हमारी लाइफ में कितने तरह के बिल हमें रेगुलरली पे करने होते हैं, राइट। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी बिजली बिल से परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको पता ही है मैं क्या बताने वाला हूँ ऑलरेडी। ये गवर्नमेंट की एक नई स्कीम निकली हुई है, इसके तहत आप सोलर पैनल ले सकते हैं अपने घर के लिए, खेत पर लगवाने के लिए वगैरह वगैरह चाहे जैसे, और यहाँ तक कि आप ये लेकर के कमाई भी कर सकते हैं दोस्तों, और मात्र 10% इन्वेस्टमेंट पर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की अभी नई स्कीमें चल रही है। और ऐसे में इसका कुछ ब्लू प्रिंट और थीम आउट आप देख सकते हैं, ये जो टेबल देख पा रहे हैं कितना बैकअप देता है, कितना खर्च करता है, कितनी एनर्जी जनरेट करता है वगैरह वगैरह, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर दी हुई है, तो चेक कर लेना आप। और इसके अलावा सोलर पावर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करने वाली प्रमुख कंपनी जून रूफ के सीईओ बताते हैं कि पावर के विकल्प को अपनाकर बिजली के बिल को 92% तक घटाया जा सका है। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाइएगा, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ओके। अगली बड़ी खबर है, मारुति को मिला टोयोटा का साथ, अब मिलकर लॉन्च करेंगे ये कार। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी ने टोयोटा ब्रांड से हाथ मिलाया है, और अब दोनों मिलकर के ये दोनों ही कार मेकर कंपनियां लॉन्च करेगी एक विटारा ब्रीजा। ऐसे में जल्द ही विटारा ब्रीजा टोयोटा ब्रांड के नाम से जरूर नजर आएगी। नई टोयोटा विटारा जो है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स आप देख सकते हैं फीचर्स के साथ में आएगी। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम कार्ड नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान से सटे इलाकों में होगी जांच। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर, खासकर राजस्थान के बीकानेर एवं आसपास के इलाके में पाकिस्तानी सिम कार्ड सख्ती से जांच की जा रही है, और ऐसे में जो लोग पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जा रही है, और वे अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ओके। अच्छा अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सीबीएसई ने सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को दी बड़ी राहत, परीक्षा सेंटर में इच्छा अनुसार कर सकेंगे बदलाव। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को बड़ी राहत दी है। सीबीएसई ने सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में परीक्षा सेंटर में बदलाव करने की भी छूट दे दी है। इससे पहले भी एक सीबीएसई ने सुविधा दी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये सैनिकों के बच्चे सीबीएसई का एग्जाम सेंटर भी चाहे तो चेंज कर पाएंगे, और हाँ साथ ही इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम भी इस बार नहीं देना पड़ेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, आप दिल्ली के मेरठ महज 45 मिनट में गडकरी ने 3530 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। जी हाँ, केंद्रीय सड़क
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को करीब 3330 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया है और इसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को 15 अप्रैल से चालू कर दिया जाएगा, एक ये भी शामिल है। ओके, और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं डीएलएस टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों गर्मियों में खाया जाने वाला वह फल कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल्स, लैपटॉप, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिवअवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा डाक के द्वारा। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अलर्ट अपडेट, पीएम मोदी गवर्नमेंट न्यूज अपडेट, आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, शेयर जरूर कर देना। और हाँ, साथ ही डीएलएस न्यूज पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना ताकि आप आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर करवाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।